Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the oxidative phosphorylation. That is the next step for the production of the energy in the form of the ATP from the NADPH and the FADH2, which are produced during the glycolysis, oxidative decarboxylation, and the Krebs cycle. So now, in today's lecture, we will study in detail about the oxidative phosphorylation. Before going in detail about these two terms, that is the electron transport chain, which is a subpart of the oxidative phosphorylation, and the chemiosmosis, which is also the subpart of the oxidative phosphorylation, we again see in brief about the term that is the respiration. जो आपकी रेस्पिरेशन टर्म है वो हम क्यों यूज करते हैं. रेस्पिरेशन के दौरान ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी किस लिए चाहिए? द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट डेली एक्टिविटीज. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द एनर्जी फॉर द डिफरेंट डेली एक्टिविटीज लाइक द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, द मूवमेंट प्रोसेस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, द ब्रीदिंग प्रोसेस. ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर्स एनर्जी. In different organisms, we all know the respiration process, it is a very complex process. It is not a simple process. During the respiration process, there occurs step-by-step oxidation of the food in presence of the oxygen. The respiratory substrate may be the carbohydrate, maybe the fat, maybe the proteins, but the main respiratory substrate are carbohydrates, and among the carbohydrates, the most favorite respiratory substrate is the glucose. वो आपका glucose है. And the respiration process takes place in presence of the different enzymes and the different coenzymes, different cofactor. उनकी presence में ये reaction आपकी चलनी होती है. Respiration process चलती है. Energy production आपकी होनी होती है. और फाइनली जो आपकी एनर्जी है वो कहां पे जाके स्टोर होती है? फाइनली द एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. इसलिए एटीपी को आप कहते हैं, बोलो क्या, एनर्जी करेंसी. इट इज द एनर्जी करेंसी. और माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हैं? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी इज फर्दर बीन यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट सेलुलर मेटाबोलिक एक्टिविटीज. और इसीलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और जो फेवरेट सबस्ट्रेट कौन है, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द ग्लूकोस. अदर सबस्ट्रेट बोलो कौन हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लें, दैट मे बी द फैट्स, दैट मे बी द प्रोटीन्स विच कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड. आपके जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स हैं लाइक द फैट, प्रोटीन्स, दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बाय विड्रॉइंग इट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे. इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो आपकी कैटाबोलिक नहीं, वो साथ के साथ एनाबोलिक भी है. मींस वी कैन से दैट द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व बोथ प्रोसेसेस, दैट इज द एनाबोलिज्म एंड द कैटाबोलिज्म. सो द रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर प्रेफरेबली बी कॉल्ड एज द एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन सिंपली कॉल्ड एज कैटाबोलिक पाथवे. इसको हम सिंपली कैटाबोलिक पाथवे कहें कि सिर्फ इसमें ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड्स का, सिर्फ आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन चलती है, ऐसा नहीं. जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, क्रेब्स साइकिल के दौरान, उन डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की हेल्प से हम अपने कुछ और सब्सटेंस भी बना सकते हैं. फैट्स डिराइव कर सकते हैं, प्रोटीन्स डिराइव कर सकते हैं. मीन्स एना बोलिक पाथवे भी साथ के साथ चलता रहता है. इसीलिए हम रेस्पिरेटरी पाथवे को सिंपली कैटाबोलिक पाथवे ना मान के हम उसको एम्फीबोलिक पाथवे एज्यूम करके चलते हैं. अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो सबसे पहली स्टेप है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. और ये जो प्रोसेस है इट इज ऑलवेज एनएरोबिक, ये हमेशा एनएरोबिक होती है. दैट स्टेप इज ऑलवेज एनएरोबिक वेदर द ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सेल और नॉट. और जो इनिशियली जो सबस्ट्रेट होगा, मैंने पहले ही बताया, जो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज द ग्लूकोस विच इज ए 6 कार्बन कंपाउंड
एंड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस विच टेक्स प्लेस इन द 10 स्टेप्स जो कि 10 स्टेप्स में चलती है इट गेट कन्वर्टेड टू गिव द 2 मोल्स ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज द पाइरविक एसिड और यू कैन से द पाइरवेट एंड ड्यूरिंग दैट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द 2 मोल्स ऑफ द एटीपी द नेट 2 मोल ऑफ द एटीपी आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द 2 मोल्स ऑफ NADH and these 2 moles of the NADH get oxidized during the oxidative phosphorylation jo aaj hum padhenge usme hum seekhenge ki kis type se NADH convert hote hain in the form of the ATP aur ek NADH 3 moles of ATP ko kaise produce karta hai wo sari cheeze hum aaj ke lecture mein जो हमारी मेन स्टेप आगे आने वाली है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन उसके दौरान हम सीखेंगे आपके जो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो 2 मोल्स पाइरविक एसिड के बने जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है इट जो क्या करेगा आगे जाके अब हम इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमें इसका फेट देखना होता है कि पाइरविक एसिड अब किस वे में जाएगा पाइरविक एसिड दो तरीके से जा सकता है इन द एरोबिक और द एनएरोबिक पाथवे व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट it will enter into the Krebs cycle. First of all, the pyruvic acid before entering into the matrix of the mitochondria for the aerobic respiration, the 2 moles of the ATP are used in case of the eukaryotes during the transference of that pyruvic acid into the matrix of the mitochondria. Mitochondria ke matrix mein, kyunki pehli jo step thi glycolysis, wo to kahan pe chali? In the cytoplasm of the cell. फिर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर आपके पाइरवेट प्रोड्यूस हो गए अब ये ट्रांसफर कहां पे होंगे जाके इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ दैट पाइरविक एसिड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया द 2 एटीपी आर यूज्ड इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स एंड और उसके बाद जब ये ट्रांसफरेंस होती है तो जो फर्स्ट स्टेप अप चलती है दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एज द नेम शोज डीकार्बोक्सिलेशन डी का मतलब निकलना कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 गैस का निकलना मींस जब पाइरविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर से जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर तो उस दौरान बोलो क्या बनेगा आपका कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मोल्स बन जाएंगे इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड बिकॉज द CO2 गेट रिलीज्ड 2 मोल्स ऑफ पाइरविक एसिड क्या देंगे 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोड्यूस करेंगे 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम में क्योंकि CO2 आपकी रिलीज हो जाती है और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं 2 मोल्स ऑफ NADH भी प्रोड्यूस होते हैं और ये 2 मोल्स ऑफ NADH से एटीपी कैसे प्रोड्यूस हुई वो हम कहां पे सीखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और जब एसिटाइल को एंजाइम है जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है ये क्या करेगा ये एक 4 कार्बन कंपाउंड जो ऑक्सैलो एसीटेट है उसके साथ कंडेंस्ड हो जाएगा कंडेंस मींस लॉस ऑफ वाटर होगा तो मींस जब ये ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड के साथ कंडेंस होगा कंडेंस मींस 2 कंपाउंड आपस में मिक्सअप करते ही कुछ साइड प्रोडक्ट भी निकले साइड प्रोडक्ट यहां पे वाटर लॉस होगा और फिर आपका 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है सिट्रिक एसिड एंड इट अंडरगो द चेंज टू गिव द डिफरेंट इंटरमीडिएट एंड फाइनली अगेन गिव्स द ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स और द कोएंजाइम्स और ये दोबारा से सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर जो कि एक 4 कार्बन स्टेप से एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है और जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल चली तो इसके दौरान प्रोड्यूस क्या हुए 6 मोल ऑफ तो NADH प्रोड्यूस होते हैं और 2 मोल्स किसके प्रोड्यूस होते हैं FADH2 के प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये फाइनली जितने भी आपके NADH टोटल NADH बोलो कितने हो गए देखो 2 मोल्स ऑफ NADH तो बोलो कहां से आए थे दैट फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस 2 मोल्स NADH बोलो कहां पे आ गए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान और 6 मोल ऑफ NADH बोलो कहां पे आए ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल अलोंग विद द 2 मोल्स ऑफ FADH2 भी कहां पे आ गए इन द क्रेब्स साइकिल अब ये जितने भी टोटल 2 टू 4 और 6 10 मोल्स तो बोलो कौन हो गए NADH 10 मोल्स बोलो क्या हो गए NADH के हो गए जो 10 मोल्स NADH के हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ NADH किसके इक्विवेलेंट होता 3 ATP तो जो टोटल 10 मोल्स होंगे इनसे कितना बन जाएगा 330 ATP तो यहां से प्रोड्यूस होंगे प्लस 1 मोल ऑफ FADH2 इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ ATP होता है तो 2 मोल्स किसके होगा 4 मोल्स ऑफ ATP यहां से प्रोड्यूस हो जाएंगे मींस ओवरऑल
34 एटीपी प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो इससे नेक्स्ट स्टेप आती है क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमारी स्टेप आएगी उसमें टोटल 34 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। प्लस हमने ये भी बता दिया था कि देखो टू मोल, नेट टू मोल ऑफ एटीपी कहां पे प्रोड्यूस हुए थे बोलो, ग्लाइकोलाइसिस में, प्लस टू मोल ऑफ नेट एटीपी कहां पे प्रोड्यूस होते हैं इन द क्रेब्स साइकिल। देखो टू मोल्स ऑफ जीटीपी विच आर इक्वलेंट टू द टू मोल ऑफ एटीपी, ये यहां से डायरेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। मींस टू मोल्स ऊपर हो गए, टू मोल्स यहां पर देखो हो गए, टू और टू बोलो कितने हो गए, फोर। तो 30 एटीपी प्लस 4 एटीपी जो कि एनएडीएच प्लस एफएडीएच से आएंगे, तो मींस ये तो टोटल बोलो कितने हो गए थे हमारे 34 एटीपी, प्लस 2 एटीपी बोलो कहां से आएंगे, दैट इज फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस। देखो जो ग्लाइकोलाइसिस से आ गए जो डायरेक्टली 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, प्लस 2 मोल ऑफ जीटीपी विच आर आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ एटीपी जो हमें कहां से मिले, फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। तो ओवरऑल जो टोटल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं कब, जब हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज का होता है उससे, तो टोटल कितने एटीपी हो गए, दैट इज द 38 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, टोटल 38। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हमने पहले बताया, देखो यहां पे देखो 2 मोल ऑफ एटीपी आर यूज्ड इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ द बोलो किसको, पाइरुविक एसिड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो हो गए प्रोकैरियोट्स के अंदर, 38 एटीपी किसमें प्रोड्यूस हो गए, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें -2 एटीपी हम कर देंगे, बिकॉज द 2 एटीपी गेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ द पाइरुविक एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो टोटल नेट कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, दैट इज द 36 एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, बोलो किसके अंदर, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स के अंदर। ये चीज ओवरऑल हमने कंप्लीट टोटल एटीपी के बारे में बता दिया। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप से, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो अगली स्टेप आती है जो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे, देखो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इन चीज को देखो, जो मैंने टोटल एटीपी आपको काउंट करवाया इनको देखो हम यहां से क्लियर कर देते हैं। जो टोटल आपने देखो देख लिया यहां से, ये सारी चीजें देखो हम क्लियर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आएगी आफ्टर द क्रेब साइकिल, जहां पे मैंने आपको बताया एनएडीएच से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनएडीएच और एफएडीएच गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो आपकी प्रोसेस कौन सी होगी, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन विच फर्दर इंक्लूड्स टू सब स्टेप्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द केमी ऑस्मोसिस। इनके बारे में ही आज हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन साथ के साथ हमने बताया कि ये सारी बातें कब हुई, इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। इफ नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट फिर क्या होगा, फिर आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस चलेगी, जो इस आज के लेक्चर से अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। वो दो टाइप की होगी फर्मेंटेशन, दैट में विद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिर्फ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में। हम आपको फिर से बता दें, जो हमारी सेल की स्ट्रक्चर होती है उसको अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल सरफेस, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियस बीच में, देखो दैट इज द न्यूक्लियस, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट। Out of these different cell organelles, one is the mitochondria. और जो ये liquid present है, that is called as the cytoplasm. देखो ये cytoplasm होता है, जो liquid present होता है in the cell, that is the cytoplasm. अब क्योंकि हमारी जो process है oxidative phosphorylation की, वो कहाँ पे चलेगी? That will takes place on the inner wall of the mitochondria. देखो ये mitochondria की हमने structure अलग से बना दी। इसके अंदर क्या है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद नेक्स्ट दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहीं पर चलेगी बोलो कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।
इससे पहले वाली जो स्टेप थी वो कहां पे चली थी, क्रेब साइकिल। सो वो हम आपको बता दे, देखो ये आउटर वॉल दैट इज द इनर वॉल, देखो हमने क्लियर आपको ड्रा करके दिखा दी, लेकिन ये विलाई की फॉर्म में होती है जैसे आपको दिख रही है। इसके बीच में ये क्रिस्टी बन गए, देखो क्रिस्टी बन गए, बिल्कुल स्ट्रेट सर्कल की फॉर्म में नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। और बीच में जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज द, बीच का जो एरिया दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है जहां पे आपकी क्रेब साइकिल चली थी, जहां पे आपकी कौन सी साइकिल चली थी, क्रेब साइकिल। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अब हम देखते हैं अपनी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में, क्योंकि जो बेसिक था जो यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान, वो हमने आपको कंप्लीट समझा दिया है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आखिर प्रोसेस क्या है, इसके दौरान होगा क्या। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइनली आपके NADH और FADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस द ATP। लेकिन ATP प्रोड्यूस कैसे होंगे, कैसे बनेंगे, तो ये जो प्रोसेस है जिसको कहेंगे आप ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जिसके दौरान ATP की सिंथेसिस होगी, लेकिन कैसे होगी, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कहां से, इलेक्ट्रॉन आए कहां से, वो आए आपके NADH और FADH2 के अंदर से। NADH और FADH2 के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकले फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डिफरेंट आपके प्रोटीन्स होंगे, डिफरेंट आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आउट ऑफ दीज 5 कॉम्प्लेक्सेस 4 कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और आपके वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइनली 5th आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसके थ्रू ATP की सिंथेसिस होगी। तो उन सभी को अब हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, इट इज द प्रोसेस इन विच द ATP गेट सिंथेसाइज्ड, ATP इज फॉर्मड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द NADH और द FADH2, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर फाइनली बींग एक्सेप्टेड बाई टेकन बाय द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द H पॉजिटिव आयन टू गिव द वॉटर। That process is called as the oxidative phosphorylation. और ये जो process है कहाँ पे चलेगी? It will takes place in the inner wall of the mitochondria. Mitochondria की inner wall के अंदर चलेगी। और mitochondria को यहाँ पे आपकी ATP की synthesis होगी aerobic organisms के अंदर, इसलिए mitochondria को कहते हैं powerhouse of the cell. फिर से बता दें ये माइटोकॉन्ड्रिया की देखो स्ट्रक्चर थी, ताकि आपको दोबारा से रिमेमोराइज हो जाए, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी, बीच में जो मैट्रिक्स है वेयर द क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस, और बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। आपकी जितनी भी मेम्ब्रेन होती है, हमने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो मेम्ब्रेन्स होती है दे आर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो। तो जो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें क्या होगा, बाइलेयर क्यों, बिकॉज देयर आर टू लेयर्स हैं, जिसमें क्या होगा, जो पेरिफ्री है, जो आउटर पार्ट है, दैट इज फॉर्मड ऑफ पोलर हेड। देखो ये जो सर्कल में दिखा रखे दे आर पोलर हेड, एंड द इंटीरियर ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज फॉर्मड ऑफ, बोलो किस चीज की बनी हुई होंगी, बोलो नॉन पोलर टेल। देखो ये नॉन पोलर टेल्स होती है, ये क्या है बोलो आपकी, नॉन पोलर टेल, क्लियर हो गया। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और जो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है इनके अंदर क्या होंगी, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मैनर इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। देर आर सम प्रोटीन्स विच पासिस from one end to the another end, these called as the tunnel proteins. There are some other proteins which are present only in the inner part, that called as the integral proteins. There are some other proteins which are present at the periphery of the phospholipid bilayer, these called as the peripheral proteins. So these are 3 different type of proteins which are present in the phospholipid bilayer.
लेकिन हम यहाँ पर जिक्र सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स का करेंगे, उन्हीं को कॉम्प्लेक्सेस का करेंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की कि जो आपके NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और आपकी क्रेब्स साइकिल के दौरान उनका ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है यहां पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहां पे देखो ये हमने मैट्रिक्स शो कर दिया, ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये मैट्रिक्स है और ये इनर मेम्ब्रेन देखो स्पेस हमने दिखा दिया और ये बीच में फास्फोलिपिड बोलो कौन है, दैट इज द बाइलेयर। और उसके बाद नेक्स्ट हम बताएं देर आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच आर प्रेजेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे जो प्रेजेंट होंगे इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, इसके आउटर सरफेस के ऊपर, इसके इंटीरियर के अंदर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर प्रेजेंट एंड दीज डिफरेंट एक्सेप्टर आर मेनली 5 इन नंबर, वो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहले का नाम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, देखो जिसको मैंने ओवल शेप में दिखा दिया, दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 होता है इसका क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड एज द उबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 इज कॉल्ड एज उबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड इट contains, और इसके अंदर फर्दर क्या क्या होता है, इट फर्दर contains NADH dehydrogenase, FMN एंड द 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स, दीज आर 80 नंबर, मैंने सिर्फ दो ही दिखाए यहां पे, आयरन सल्फर क्लस्टर्स मैंने सिर्फ दो दिखाए, बट दीज आर 8 इन नंबर इन दैट ubiquinone ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ubiquinone ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर क्या क्या होता है, इट contains NADH dehydrogenase, जो कि NADH अभी हम शो करेंगे, FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड द 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, अभी आपको बताते हैं कैसे। और जो इसकी पेरिफ्री होती है देखो यहां पे, देखो ये बिल्कुल आउटर पार्ट के ऊपर, हियर दैट क्यूनोन ubiquinone इज प्रेजेंट, क्यूनोन कह दे या ubiquinone कह देते हैं, कोएंजाइम क्यू भी इसी को बोल देते हैं, जो हमने अभी क्यू दिखाया यहाँ पे, इसको कोएंजाइम क्यू कह दें, ubiquinone कह दें, आप कोई किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। अब होगा क्या, देखो हम फिलहाल जो एक्सप्लेन करेंगे आज के टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, हम सिर्फ 1 मोल ऑफ NADH से एक्सप्लेन करेंगे कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 मोल ऑफ NADH विल प्रोड्यूस 3 एटीपी मोल्स, एटीपी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 3 एटीपी के, तो वो कैसे प्रोड्यूस होंगे उसी को अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ NADH गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गिव NAD+++ H positive plus 2 moles of electron. These 2 moles of electron are accepted by, देखो, these electrons are accepted by the, बोलो किसके द्वारा, आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में भी सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले देखो यहां से लॉस हुए एंड दीज इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो हमने ओवल फॉर्म में यहां पे दिखा दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइनली बोलो कौन ले लेंगे, फाइनली ले लेंगे दैट कोएंजाइम क्यू, मींस ubiquinone ले लेगा। लेकिन कैसे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे देखो, देखो हम यहां पे शो कर रहे नीचे, ध्यान से देखना, दैट इलेक्ट्रॉन इनिशियली बीन टेकन बाय द FMN फर्दर बीइंग पास्ड इनटू द FES आयरन सल्फर क्लस्टर विच आर 80 नंबर फ्रॉम 1 आयरन क्लस्टर टू 2nd आयरन क्लस्टर एंड सो ऑन थ्रू बाय पासिंग थ्रू दीज These electron get passes through these 8 iron sulfur clusters, finally being given to, that is the coenzyme Q. Coenzyme Q in electrons ko le lega in presence of these H positive ion. H positive ion ki presence mein, dekho H positive ions bhi mile isko. Electron dekho isne le liye. 2 electrons
की मूवमेंट हमने शो की है, टू इलेक्ट्रॉन्स आप लिख देंगे हर जगह पे, टू इलेक्ट्रॉन्स, और एच पॉजिटिव आयन देखो मिल गए यहां से, एच पॉजिटिव आयन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोक्विनोन। देखो ये हाइड्रोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने बताया एनएडीएच के बारे में। देखो दैट इज जो एनएडीएच के लिए जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वन है, दैट इज बोलो कौन है ये, दैट इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कोई आपसे पूछे विच इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वन, जिसका नाम क्या है, ubiquinone oxidoreductase, दैट इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। और इस फर्स्ट एंट्री पॉइंट में भी जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे यहां पे वो किससे आए इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, NADH गेट ऑक्सीडाइज्ड, NADH ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, तब ये इलेक्ट्रॉन्स आए। और इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वन, और उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वन के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कौन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट NADH डीहाइड्रोजिनेज, द FMN एंड द 8 आयरन सल्फर क्लस्टर, एंड थ्रू दीज 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स द इलेक्ट्रॉन इज फाइनली बीन टेकन बाय द बोलो कौन, को इन जैम क्यू, दैट इज द ubiquinone इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन टू गिव द क्यू एच टू हाइड्रोक्विनोन। सिमिलरली इन द सेम वे, इन द सेम वे देर इज ए सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू, दैट इज द सेकेंड एंट्री पॉइंट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू क्या है, इट इज द सेकेंड एंट्री पॉइंट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो कैसे, क्योंकि अब जो सेकेंड एंट्री पॉइंट किसके थ्रू बना, थ्रू द FADH2, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, दैट इज कॉल्ड एज बोलो क्या, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। और इसके दौरान आपने देखा था क्या हुआ था, जो क्रेब साइकिल जब चली थी उसमें जो सक्सीनेट था, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू द फ्यूमरेट, द टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द एफएडी टू गिव द एफएडीएच2 इन द कॉम्प्लेक्स नंबर टू, जो बन गया था क्रेब साइकिल के अंदर, वही जो एफएडीएच2 है, वही जो बोलो कौन है एफएडीएच2, उसी को अभी हम शो करेंगे कि वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा। तो ये जो आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू है, जिसे हम सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर है डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर, FES, डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर जो हमने शो किए। अब होगा क्या, और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू है ऐसे ही इसके सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। देखो कौन, हमने क्या शो किया यहाँ पे, दैट इज द को इन जैम क्यू, देखो ये जो हमने शो किया यहाँ पे को इन जैम क्यू। अब होगा क्या, जो सेकंड एंट्री पॉइंट मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो किसके थ्रू बनेगा, दैट इज देखो FADH2 जो हमने बिल्कुल बॉटम पे लिखा, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गिव द FAD अलोंग विद बोलो क्या एच पॉजिटिव आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स बोलो इसने क्या क्या दिया यहाँ पे, इसके अंदर से भी बोलो FAD के साथ साथ क्या क्या आएंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच गए ना उसी टाइप से, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली बीन टेकन बाय द कोएंजाइम क्यू। सिमिलरली अगर हम नीचे दिखाएं, देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से आ गए, और ये किसने लिए, आयरन सल्फर क्लस्टर वन से सेकंड, और फाइनली बोलो इसके सर्फेस पे कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू को देखो यही दो इलेक्ट्रॉन्स देखो मिल गए, क्योंकि का ट्रांसफर हुआ दो इलेक्ट्रॉन्स का इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या, उसी टाइप से बोलो क्या एच पॉजिटिव आयन टू फॉर्म द क्यू एच टू, दैट इज द हाइड्रोक्विनोन, इस टाइप से हाइड्रोक्विनोन यहां पे बन जाता है। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है, जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का इनिशियली, वो कौन कौन है, एनएडीएच के ऑक्सीडाइज्ड होने से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, उन इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है वो कौन था, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर वन, और FADH2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ, जब FADH2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ FAD में, प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हुए, उन इलेक्ट्रॉन
को किसने गेन किया, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू। ये ध्यान रखें, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग हैं, दोनों के एंट्री पॉइंट अलग अलग है। फर्स्ट एंट्री पॉइंट कौन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर वन फॉर द NADH। सेकेंड एंट्री पॉइंट कौन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर टू विच इज फॉर द FADH2। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपके QH2 बने, जो हाइड्रोक्विनोन बने, उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री को हम कहते हैं साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री। इट कंटेन्स, बोलो क्या क्या, साइटोक्रोम बी, द टू आयरन सल्फर सेंटर अलोंग विद द साइटोक्रोम सी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हमारा कौन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्री। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्री के अंदर क्या क्या है, बोलो यहाँ पे देखो, ये जो अभी हमने ये शो किया था, इसको देखो थोड़ा साइड में हम शो कर देते हैं, ताकि यहाँ पे देखो हमने एक क्यू लिख दिया, देखो दोबारा से कोएंजाइम क्यू, और इसको बोलो क्या मिल गए थे, यहां से देखो हमने ये एच पॉजिटिव शो कर दिया, और इट गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो किस चीज के अंदर, QH2। देखो थोड़ा साइड में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री कंटेन साइटोक्रोम बी एंड द साइटोक्रोम C1 इन डिफरेंट स्टेट। पहले तो वो ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर ही होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्लियर हो गया? तो मींस क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन, जो देखो QH2 था, जो हाइड्रोक्विनोन जो बना, कहां पे बना, जो आपकी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वन से बना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू से बना, ये दोनों QH2 which are coming from the protein complex 1 and the protein complex number 2, they will reach, they will move, ye move karta hai, QH2 is a mobile protein, ye mobile protein hai, ye kahan tak pahunchegi, ye pahunchega protein complex number 3 ke paas pahunch jayega, bolo QH2 kahan pe reach karega, kahan pe pahunchega, ye protein complex number 3 pe pahunchega, wahan pe dobara dissociate hoga, QH2 दोबारा डिसोसिएट होगा, जैसे ये बना था, बना कहां से था, बोलो क्यू प्लस एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से बना था, उसी टाइप से अब ये क्या करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को अब ये रिलीज कर देगा, तभी तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है। तो QH2 अगेन गेट डिसोसिएट टू गिव द क्यू प्लस एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन बीन टेकन बाय द, बोलो कौन, साइटोक्रोम बी, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर है पहले, देखो ये यहां पे They will take these electron. देखो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लेते ही साथ ये बोलो क्या करेगा, इट गेट रिड्यूस्ड, देखो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके इन ये दोबारा से इन इलेक्ट्रॉन को देखो लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन अब लूज हुए देखो यहां से, दीज आर बीन टेकन बाय द साइटोक्रोम C1, देखो साइटोक्रोम C1 ने ये इलेक्ट्रॉन देखो ले लिए, एंड इट गेट रिड्यूस्ड इन टू द साइटोक्रोम C1। ये साइटोक्रोम C1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइटोक्रोम C1 दोबारा से कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर बाय रिलीजिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन अब रिलीज हुए हैं, अब ये जो इतना पार्ट है साइटोक्रोम बी और C1 का, दैट कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इलेक्ट्रॉन का देखो लगातार ट्रांसफरेंस होते हुए हम दिखा रहे हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 3 है उसके सरफेस के ऊपर देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी, दैट इज आल्सो ए मोबाइल प्रोटीन, ये एक मोबाइल प्रोटीन होती है साइटोक्रोम सी। तो अभी अभी जो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, जब रिड्यूस्ड साइटोक्रोम C1 ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो दोबारा ऑक्सीडाइज हो गए, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीन टेकन बाय द साइटोक्रोम सी, दैट इज ए मोबाइल प्रोटीन, ये एक मोबाइल प्रोटीन है जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये मूव करेगी, बिकॉज इट इज द मोबाइल प्रोटीन, एंड इट विल रीच अप टू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक पहुंच जाएगा साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम जो सी जब पहुंचेगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4, आखिर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है क्या, उसके डिफरेंट नेम है, द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आल्सो कॉल्ड एज द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, it is also called as terminal oxidase, it is also called as cytochrome A and A3 complex, isko cytochrome A and A3 complex bhi hum isko keh dete hain, ye cheez aapko dhyan rakhni hai, ye name bhi kai baar puche ja sakte hain, that cytochrome
ए एंड ए थ्री कॉम्प्लेक्स दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फोर इट कंटेन्स बोलो क्या क्या इट कंटेन्स साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम ए थ्री एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द टू कॉपर सेंटर्स इसके अंदर टू कॉपर सेंटर भी होते हैं। अब इसके अंदर है क्या जैसे मैंने बताया साइटोक्रोम ए जो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जो साइटोक्रोम सी है देखो ये जो साइटोक्रोम सी इट मूव देखो ऐसे मूव करते हुए आया और इसने यहां पे पहुंच गया साइटोक्रोम ए के पास और इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए साइटोक्रोम ए को जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है एंड दैट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू बोलो किसमें रिड्यूस्ड फॉर्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए देखो इलेक्ट्रॉन और इट गेट रिड्यूस्ड इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे देखो हम दोबारा से शो करें देखो यहां पे हम शो करते हैं दीज इलेक्ट्रॉन विच आर टेकन बाय द साइटोक्रोम सी आर बीइंग रिलीज एंड अगेन टेकन बाय द साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम ए एंड दैट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आफ्टर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस्ड तो साइटोक्रोम ए रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई। नाउ दीज रिड्यूस्ड साइटोक्रोम ए अगेन गेट कन्वर्टेड इन टू द ऑक्सीडाइज फॉर्म बाई रिलीजिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन आर नाउ बीन टेकन बाय द बोलो किसके द्वारा बोलो जल्दी से इट बीन टेकन बाय द ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम ए थ्री देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीडाइज फॉर्म ने और इट गेट कन्वर्टेड इन टू बोलो किस चीज के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम ए थ्री and that reduced form of the cytochrome A3 again being converted into the oxidized form by releasing these two electrons means आप लगातार देख रहे हैं किस टाइप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है। अब होगा क्या जो ये दो इलेक्ट्रॉन अब रिलीज हुए finally cytochrome A3 के द्वारा these electrons are now being taken by these electrons are finally being taken by the oxygen in presence of H positive ion to give the water molecule और इस टाइप से water molecule बनता है water molecule कहां पे बनता है water molecule बनता है protein complex number 4 देखो ये इतना जो part था that is the protein complex number 4 था यहीं पे आपका water molecule बनता है और यहां पे जो oxygen है oxygen क्या थी that is the final electron acceptor जो final electron acceptor था और जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर वन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फोर जो चार कॉम्प्लेक्स थे दे फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफरेंस शुरू हुआ था वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर वन से और टू से स्टार्ट हुआ था और वो एंड कहां पे हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फोर के ऊपर और एंड भी कैसे हुआ फाइनली दीज इलेक्ट्रॉन आर बींग टेकन बाय द ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ द इन प्रेजेंस ऑफ द एच पॉजिटिव आयन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनली हमारे पास एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 एंड दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज आल्सो कॉल्ड एज द एटीपी सिंथेज और द ऑक्सीसोम इसे हम एटीपी सिंथेज या ऑक्सीसोम भी कहते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसी है इट कंटेन्स F1 हेड हेड को F1 कहते हैं द स्टोक जो ये इसकी नेक हो गई एंड द F0 base होता है F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द H पॉजिटिव आयंस थ्रू विच द प्रोटॉन्स देखो जो प्रोटॉन्स है ये यहां से देखो ऐसे मूव करते हैं इसके थ्रू और फाइनली F1 के थ्रू जाके पास होते हैं मींस द F1 F0 जो क्या है ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म्स द चैनल ये एक चैनल बन गया जिसके थ्रू हमने दिखाया कि किस तरह से H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन्स हैं वो क्रॉस करते हैं इनर मेम्ब्रेन को किसको क्रॉस करते हैं इनर मेम्ब्रेन को और फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP और फिर ATP की सिंथेसिस होती है थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू ही एटीपी की सिंथेसिस होगी जो ये एच पॉजिटिव आयन जैसे ही मूव करते हैं यहां से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है तो एडीपी विल कंबाइन विद द इनऑर्गेनिक फास्फेट टू गिव द एटीपी वो भी हम एक्सप्लेन सारी बातें करेंगे अभी आपके सामने जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई इनको इन ब्रीफ दोबारा से आपके सामने अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अब बड़े ध्यान से देखेंगे आप देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला पार्ट था बोलो कहां पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से लेके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक देखो मैंने एरो भी लगाया है यहां से लेके यहां तक देखो ये दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके बाद नेक्स्ट
जहां पे एटीपी की सिंथेसिस हुई थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दैट इज कॉल्ड एज द केमी ओस्मोसिस, उसे केमी ओस्मोसिस कहते हैं। अब हुआ कैसे, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन तो कर ही दिया था, NADH गेट ऑक्सीडाइज टू गिव द NAD+ H पॉजिटिव आयन अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन आर बीइंग टेकन बाय द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हियर इज द बोलो कौन, जिसका नाम हमने बताया था ubiquinone oxidoreductase, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1। Similarly, the FADH2 get oxidized to give the FAD along with the loss of the electron, and these electron being taken by the second electron acceptor of the electron transport chain, that is the protein complex number 2. देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो पहुंच गए, देखो NADH से जो हुए दैट इज द इन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। सिमिलरली FAD के अंदर से देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे इन द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2, वो कहां से आएंगे, दैट इज जब आपका FADH2 का ऑक्सीडाइज्ड हो गए तो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 लेगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया था। और आपके फिर बता दे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 के सरफेस के ऊपर बोलो कौन प्रेजेंट है, दैट इज द कोएंजाइम क्यू, देखो ये कोएंजाइम क्यू है। सिमिलरली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के सरफेस पे भी कौन प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम क्यू। आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है, दैट इज ए मोबाइल प्रोटीन, दैट इज द साइटोक्रोम सी। ऐसे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, बताएं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो किन चीजों का कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन बोलो क्या, NADH डीहाइड्रोजिनेज FMN प्लस 8 आयरन सल्फर क्लस्टर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर, वो आपके उन इलेक्ट्रॉन्स का देखो अब ट्रांसफरेंस होगा। देखो अब हम ट्रांसफरेंस होते हुए इलेक्ट्रॉन्स का आप शो करते हैं, देखो यहाँ पे फिर फाइनली अच्छे से भी दिखाएंगे, जैसे अभी पीछे आपको बताया था। देखो ये हमने इलेक्ट्रॉन शो किया, देखो दैट इज द इलेक्ट्रॉन, देखो ये आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर है, दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स बोलो किसकी तरफ, टुवर्ड्स द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 थ्रू बोलो क्या क्यू, क्यू इज द कोएंजाइम क्यू। इन इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम क्यू लेता है इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन लेता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये क्यू, दैट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द क्यू एच टू, दैट इज द हाइड्रोक्विनोन, और ये हाइड्रोक्विनोन ही पहुंचता है बोलो कहां पे, देखो यहां पे, यहां पे पहुंचता है, और यहां पे पहुंच के दोबारा डिसोसिएट हो जाता है क्यू प्लस बोलो किस चीज के अंदर, एच पॉजिटिव के अंदर, और इलेक्ट्रॉन को देखो दोबारा से रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन देखो जा पहुंचे, देखो मैंने एरो लगाया और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पहुंच गए, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, बोलो क्या रिलीज हुई, बोलो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, द फ्री एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच कॉजेज द पंपिंग ऑफ द 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है यहां से देखो 4 प्रोटॉन्स की देखो अब हम मूवमेंट होते हुए दिखाएंगे, लेकिन मूवमेंट होते हुए दिखाए हम फर्दर दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स था जब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के सरफेस पे आया वहां पे साइटोक्रोम सी प्रेजेंट था, साइटोक्रोम सी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया, फर्दर बीइंग शिफ्टेड ये साइटोक्रोम सी बोलो किसके सरफेस के ऊपर, देखो यहाँ पे जा पहुंचा, देखो मैंने शो किया दैट इज द साइटोक्रोम सी है बेटा, यहाँ पे ये कहां पे पहुंच गया, एट द सरफेस ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4, वहां पे जाके उन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बोलो कहां पे पहुंच गए, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पहुंच गए, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 है वो बोलो वहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे उन इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, जो आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ऑक्सीजन, वो हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको फिर से बता दें कि जो ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, तो जब सबसे पहली बार जब एनर्जी रिलीज हुई, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, उसकी हेल्प से क्या होता है, आपके 4 H+ आयन, देखो ये मैंने पंप होते हुए दिखाया, देखो ये आपके पिंक कलर से दिखाया, दीज 4 H+ आयन गेट पंप्ड बोलो कहां से कहां पे, फ्रॉम द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहां पे पहुंच गए, टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, देखो इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच गए, एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रोटोन ग्रेडियंट, and contributing towards the proton gradient. Similarly, and thus the concentration of H positive ion now becomes higher. देखो ज्यादा हो गई, देखो ज्यादा हो गई. जो हमने ये क्यों H2 बनते हुए दिखाया था, देखो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अपने कॉपी में आप बने रहने देना इस डायग्राम को, देखो यहाँ पे आप इसको बने रहने देंगे,
जो चीजें मैंने बताई थी, जो मैंने सर्कल लगाए ताकि और चीजें आपको क्लियर होती चली जाएं। अब जो ये 4H पॉजिटिव आयन जब पंप हो गए तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती रहेगी, कहां पे? इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और इस टाइप से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली द 4H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, कब? जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, बोलो कहां से हुआ? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अगेन द 4H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड फाइनली अगेन जब आपके जो साइटोक्रोम सी है इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंचा, बोलो कहां पे? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास पहुंचता है, दोबारा से 4H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द, बोलो कहां पे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब एक किशोर का आप जवाब दें हमें यहाँ पे कि अभी जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है फिलहाल, जो ये आपके देखो 12 4H पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन, टोटल 12H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कब? जब 1 मोल, ध्यान दें, जब 1 मोल ऑफ NADH गेट ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जब 1 मोल NADH का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, उस दौरान हाउ मेनी प्रोटॉन गेट पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दस क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोलो कितने H पॉजिटिव आयन? 12H पॉजिटिव आयन। लेकिन हम आपको बता दें साथ के साथ एक चीज और, यहां पे तो 12H पॉजिटिव आयन पंप हो गए, लेकिन जब आपका FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसके दौरान आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इसका ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था, FADH2 के दौरान जो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, FAD में कन्वर्ट हुआ, प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे उनके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2, मैंने आपको बताया था। तो जब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर जब एनर्जी यहां पे भी रिलीज होती है, लेकिन इसके दौरान कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होता, ये ध्यान रखें। लेकिन जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ था, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था इलेक्ट्रॉन्स का NADH से जो निकले थे, उसके दौरान 4H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए किसके? FADH2 के अंदर से, तो कोई भी H पॉजिटिव आयन की पंपिंग नहीं हुई थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। लेकिन उसके बाद आगे का पोर्शन कॉमन रहेगा बेटा। उसके बाद जो क्यू है, जो क्यू H2 में कन्वर्ट हुआ, उसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कहां पे? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी कहां पे देता है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर। तो वहां पे देखो ये H पॉजिटिव आयन पंप हुए, देखो ये H पॉजिटिव आयन। उसके बाद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हुआ थ्रू साइटोक्रोम सी, देखो फिर से वही 4H पॉजिटिव आयन पंप हुए। मींस टोटल कितने H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई? ओनली द 8 पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड। कब? जब एक FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि एक NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, तो 12H पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दस क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दस बोलो डेवलप ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसकी कंसंट्रेशन? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो गई है। क्लियर हो गया बेटा? यहां से इस चीज को जरूर ध्यान रखें, एच पॉजिटिव आयन की संख्या भी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखी तो आप समझ नहीं पाएंगे उस बात को कि जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी, कि किस तरह से एक NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होंगे और एक FADH2 से सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और ये एक्सप्लेन होगा सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि कितने H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई। तो जब एक NADH ऑक्सीडाइज होता है तो 12H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी, जबकि जब एक FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो 8H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई है। तो ये चीज आप जरूर अपने दिमाग में बिठा लेंगे और इसको अब याद रखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बताते हैं। अब उसके बाद जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था बेटा, कौन था बोलो? वो दैट इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दैट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इसके अंदर भी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगला कौन है? वो है ऑक्सीजन।
प्रोटीन कॉम्प्लेक्सों में तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दैट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये। लेकिन इसके थ्रू जो फाइनल इलेक्ट्रॉन लिया वो किसने, वो लिया ऑक्सीजन ने। देखो इलेक्ट्रॉन बिंग टेकन बाय द ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ द एस पॉजिटिव आयन टू फॉर्म द वॉटर, और इस टाइप से वॉटर बन जाता है। वॉटर कहां पे बना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के थ्रू इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। गेन किसने किया इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ने। सो ऑक्सीजन कॉल्ड एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि देखो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन काफी इंक्रीज हो चुकी है इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से अब 4 एच पॉजिटिव आयन, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ NADH के बारे में बेटा, ध्यान देना, शुरू में NADH को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब यहां पे क्या होगा, 4 एच पॉजिटिव आयन की जब पंपिंग होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, यहां पे मोर एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ दीज एच पॉजिटिव आयन विल अगेन कम इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जब 4 एच पॉजिटिव आयन दोबारा आते हैं किसके थ्रू आते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के अंदर हमने पहले ही इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया था, जिसे एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। एच पॉजिटिव आते ही साथ क्या होगा, एडीपी विल टेक द इनऑर्गेनिक फास्फेट टू फॉर्म द एटीपी, और बोलो कितने एटीपी बन गए, 1 mole ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द 4 एच पॉजिटिव आयन विल कम विल मूव थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 from inner membrane space into the matrix of the mitochondria. आपका 1 ATP बना, देखो 4 H positive ion जब आपके enter कर गए, उनकी जब movement हुई, बोलो आप ये बताएं 1 NADH के से जो electron loss हुए थे, और उन electronों का जब transference हुआ protein complex number 1 से protein complex number 4 तक, कितने H positive ion की pumping हुई थी, total हुई थी 4 + 4 + 4, means total 12 एच पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी। और अब सिर्फ हमने एक्सप्लेन किया कि 4 एच पॉजिटिव आयन जब दोबारा अंदर आए तो 1 एटीपी बन गया, और मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 3 कर दें, मींस जब टोटल 12 एच पॉजिटिव आयन एंटर करेंगे, जो कहां से, जो कहां पे हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, कैसे गए थे बाहर, 1 NADH के ऑक्सीडेशन होने से, वो दोबारा जब अंदर आएंगे तो 4 एच पॉजिटिव आयन की वजह से 1 एटीपी बना, 12 एच पॉजिटिव आयन की वजह से मल्टीप्लाइड बाय, देखो हमने 3 कर दिया, मींस 3 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली जो FADH2 है उससे टोटल कितने एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए थे, उससे बेटा प्रोड्यूस हुए थे, देखो दीज 8 एच पॉजिटिव आयन, 4 + 4, दीज 8 एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए थे। तो 4 एच पॉजिटिव आयन से तो 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये स्टेप कॉमन होगी आपकी केमी ओस्मोसिस NADH और FADH2 के लिए। हमें सिर्फ यहां पे सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, 4 एच पॉजिटिव आयन से 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है, और FADH की ऑक्सीडेशन से 8 एचटीपी बने, 8 एच पॉजिटिव आयन मूव हुए थे, तो 4 एच पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, मींस टोटल 8 एच पॉजिटिव आयन जब दोबारा मूव करेंगे from the inner membrane space to the matrix of the mitochondria, तो ATP बोलो कितने प्रोड्यूस होंगे, multiplied by 2 means 2 ATP, तो हो गया ना प्रूफ कि 1 NADH के ऑक्सीडेशन से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और 1 FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो दोबारा से बताते हैं, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था बेटा, उसमें बोलो किस चीज से बना था, ध्यान से दोबारा से साथ के साथ अब बताते चले जाएंगे। 1 इज द NADH dehydrogenase followed by FMN flamine mononucleotide followed by the 8 iron sulfur clusters, देखो ये 8 iron sulfur cluster है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन NADH से, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 एक्सेप्ट करता है वो किसके थ्रू एक्सेप्ट करता है, देखो यहां से FMN के थ्रू, दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और थ्रू फिर उनकी मूवमेंट होती चली जाती है आयरन सल्फर क्लस्टर से, और फिर फाइनली बोलो कौन ले लेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, आपके ओ एंजाइम क्यू। सिमिलरली जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे बोलो कौन, आयरन सल्फर क्लस्टर, मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन को बोलो कौन ले लेंगे, दीज आयरन सल्फर क्लस्टर ले लेंगे, और फाइनली इनके सरफेस पे कौन होगा, यहाँ पे क्यूनोन को एंजाइम क्यू। देखो ये को एंजाइम क्यू जो है, क्यूनोन जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो है, ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन में। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और फिर ये दोबारा से रिड्यूस फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और ये दो इलेक्ट्रॉन देखो फिर से लॉस हुए, और इन दो इलेक्ट्रॉन को बोलो अब कौन ले लेगा, नेक्स्ट कौन आया, कहां तक पहुंचेंगे। सिमिलरली एक चीज और ध्यान रखें, जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे आयरन सल्फर क्लस्टर, इनको भी कौन ले लेगा बोलो दो इलेक्ट्रॉन्स को, देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा इनको भी कौन ले लेगा यहाँ पे, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो बीन टेकन बाय देखो इसके द्वारा, ये क्विनोन के द्वारा। क्लियर हो गया बेटा, ये हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है, इसलिए देखो मैंने साइड में लिख के छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री, जैसे मैंने बताया था प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री में साइटोक्रोम बी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में विल टेक दीज टू इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम बी, दस द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम बी अगेन लूजेस दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन बीन टेकन बाय द साइटोक्रोम सी वन बाय द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम सी वन एंड अगेन बीन कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म। This reduced form of the cytochrome C1 again loses the electron, again loses these two electrons, and these two electrons are being taken by the cytochrome C, which is a mobile protein, and that mobile protein shifted these electrons towards बोलो किसकी तरफ, cytochrome A। देखो इन दो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो बेटा कौन लेगा यहाँ पे, cytochrome C लेता बेटा, ये ध्यान रखना cytochrome C, that is a mobile protein, और ये जो cytochrome C है now it will shift these electron towards the बोलो क्या बोलो किसकी तरफ, oxidized form of the cytochrome A, that is the protein complex number 4, और ये reduced form में convert हो जाती है। That reduced form of cytochrome A again loses electron to get converted into the oxidized form, and these two electrons are again being taken by बोलो किसके द्वारा, oxidized form of the cytochrome A3 will take these two electron and get converted into the reduced form of the cytochrome A3, क्योंकि electron gain करने से वो reduced हो गया। Now that reduced form of cytochrome A3 again loses these two electron, get converted into the again oxidized form, and these two electron are now being taken by the oxygen, by being taken by the oxygen in presence of the H positive ion to form the water, means oxygen is the final acceptor for the electron. Now what will happen during these all processes, as we already explained ke how many H positive ion get pumped from the matrix of the mitochondria into the inner membrane space, ye hum pehle hi explain kar chuke the। अब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो एच पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बन चुका है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, वो एच पॉजिटिव आयन बोलो क्या करेंगे, आपके पास जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 है उसके जो डिफरेंट पार्ट है, F1 हेड है, स्टोक है और F0 है, उसके थ्रू एच पॉजिटिव आयन की बोलो क्या होगी, पंपिंग होगी। एच पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड, द 4 एच पॉजिटिव आयन गेट पंप्ड थ्रू द F0, थ्रू द F0 through the stoke and finally through the F1 head, and during that process the ADP get converted into the ATP in presence of the inorganic phosphate, means one mole of ATP banta hai 4H positive ion ki movement ki wajah se energy release hui aur one mole of ATP ban gaya, jaise abhi humne aapke samne ye sari baatein explain kar di thi, upar bhi humne proper diagram bana diya, aur yahi aapko exam mein diagram banane hain। Jitne diagram humne aapko bana ke dikhaye, agar exam mein aapke question aa jaye, maan lijiye 6 marks ka question aa gaya, 7 marks ka question aa gaya ke write a note on ya explain the oxidative phosphorylation, to is step se aap explain karenge, to jo ye final step hai जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू चली, इसको आप केमी ओस्मोसिस कहते हैं, और जो पहली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से लेके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हुआ है उसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को यहां तक। इसके बाद हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आखिर डेफिनेशन क्या थी, सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। तो मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग बट it is the metabolic pathway which occur in the inner membrane of the mitochondria, jiske andar hota kya, through which the electrons from the oxidation of the NADH and the oxidation of the FADH2 passes from one protein complex carrier to the another protein complex carrier in a series of redox reaction। आपने ये पूरी रिएक्शन देखी, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, मींस दैट इज अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एंड फाइनली द ऑक्सीजन व्हिच इज द फाइनल एक्सेप्टर, मींस द ऑक्सीजन व्हिच इज ऑलरेडी बीन प्रेजेंट, व्हिच सिट्स एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विल फाइनली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन
and pick up the proton, means in presence of the H positive ion, to form the water. And that is called as the electron transport chain. उसे आप electron transport chain कहते हैं. और in a very brief, अगर आप इसको बोलना चाहें बिल्कुल छोटे में, तो आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर कैरियर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. लेकिन आप ये कंप्लीट डेफिनेशन ही एग्जाम में लिखेंगे. उसके बाद केमियोस्मोसिस क्या है? केमियोस्मोसिस क्या है कि द प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिलीज हुई, और वो कहां पे रिलीज हुई थी? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन विच इज बीइंग कैप्चर्ड एज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट. और उस एनर्जी जो रिलीज हुई उससे क्या हुआ था? एच पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी फ्रॉम द मैट्रिक्स. देखो मैट्रिक्स से बोलो कहां पे हुई थी? इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हुई थी. और आपने देखा था जब 1NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो 12H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी थ्रू दैट होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और FADH2 की जब ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके दौरान सिर्फ 8H पॉजिटिव आयन की पंपिंग हुई थी. तो विच क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट विच इज देन बीइंग यूज्ड टू मेक द ATP, जिसकी वजह से ही फाइनली ATP प्रोड्यूस हुए थे थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5. एंड दैट सिंथेसिस ऑफ द ATP थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट due to the movement of the electron through the whole electron transport chain, due to the release of energy, that called as the chemiosmosis. उसे आप chemiosmosis कहते हैं. अब एक बड़ा important question यहाँ पे बनता है. अगर oxygen ना होती तो क्या होता? Means in the absence of the oxygen, means during the vigorous exercise, when a person is not breathing enough oxygen, फिर क्या होता? अगर oxygen नहीं होती तो means final electron acceptor नहीं होता, means there is no final acceptor to accept the electrons, means the electron transport chain will stop working, means no ATP will be produced by the chemiosmosis. What it means without the enough ATP, the cell cannot carry out the different metabolic activities which are required for the different functioning, like the absorption, reproduction, as we already explained in the starting of the lecture. And finally, after the long period of time, when there is no oxygen, no acceptance of the electron through the electron transport chain, no ATP synthesis, means the finally the cell may even die. अब हम देखेंगे जो अभी तक हमने ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन देखा उसका ब्रीफ, कि आप लिखेंगे क्या क्या जो 4 डिफरेंट स्टेप्स थी. एक्सप्लेन तो कर दी आपने, सारे डायग्राम भी बना दिए, जो डिफरेंट स्टेप्स थी उनको कैसे लिखे. फर्स्ट स्टेप क्या थी बोलो? डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द NADH एंड द FADH2, मीन्स द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर. जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये तो NADH और FADH2, मीन्स इन ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और फिर जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? ट्रांसफर. मींस द NADH एंड द FADH2 व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, मींस दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, बोलो क्या? NADH कहां पे बना? ग्लाइकोलाइसिस में बना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बना, क्रेब्स साइकिल में बना. FADH2 सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बना था. मींस दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, दे फाइनली गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड दैट फाइनली द ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. किसके थ्रू होगा? आपके डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस थे, डिफरेंट जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे, कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और फिर क्या होता है? फाइनली आपके दोबारा से NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD+ में. और आपका FADH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? FAD में, विच आर फर्दर बींग रीयूज्ड इन द अदर स्टेप्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. ये दोबारा से रीयूज हो जाते हैं उन्हीं स्टेप्स के अंदर. बोलो कौन सी स्टेप में? ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये दोबारा से रीयूज हो जाते हैं. सेकेंड स्टेप क्या थी? कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस और द प्रोटॉन पंपिंग, ये कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान. मीन्स एज द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड डाउन द चेन, दे मूव फ्रॉम द हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी रिलीज एनर्जी की हेल्प से उसका जो कुछ पार्ट है, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू पंप द एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दस क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट. और इसकी वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. दिस पंपिंग एस्टेब्लिशेस द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट.
उसके बाद अगली स्टेप में क्या हुआ था, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन। फाइनली द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म द वाटर, मींस एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मींस थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल प्रोड्यूस द वाटर बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ द एच पॉजिटिव आयन। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 दैट इज एटीपी सिंथेज और द आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीसोम, द ग्रेडियंट व्हिच इज डेवलप्ड इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में एच पॉजिटिव का जो ग्रेडियंट डेवलप हो गया है उससे क्या होगा, अब आपके एच पॉजिटिव आयन दैट विल फ्लो डाउन देयर ग्रेडियंट, दे विल फ्लो डाउन देयर ग्रेडियंट बैक इनटू द मैट्रिक्स, they will pass through the enzyme that is the ATP synthase, that is the protein complex number 5 that is also called as the oxisome, and which harnesses the flow of the proton to finally synthesize the ATP, aur is step se finally ATP synthesize ho jati hai. To ye is step se char step aap likhe bhi gaye copy ke andar aur diagram bhi proper banayenge, to ye tha aapke complete oxidative phosphorylation ke bare mein. So thank you, that all about the oxidative phosphorylation, jiski sub steps bhi aapne dekhi, electron transport chain aur aapki chemi osmosis. Thank you.